हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड फन ग्रुप। आप सभी का हमारे चैनल पे बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैप राउंड 3 के बारे में कि कैप राउंड 3 का कब आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कुछ बताया था उसके बारे में, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपको अगर इसी तरह से टेक्निकल रिलेटेड, एमएसटी सीटी रिलेटेड और गेमिंग्स रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो देखते रहना है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप सभी वीडियो, सभी जानकारी, सभी न्यूज़ को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना होगा अपने पुराने वाले वेबसाइट पे, जिसका नाम है fe2019.mahacet.org पे। चलिए उस वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ नया आया है। तो हाँ दोस्तों, कुछ नया आया है। अब यहाँ पे देखेंगे कैप राउंड 3 का प्रोविजनल वैकेंट सीट ऑफ कैप राउंड 3। तो आज 30 आज है, तो आज ही इसमें शो करने की डेट दिया हुआ है। आज ये शो होगा और फिर ऑप्शन फॉर्म भी आज ही भराएगा और कैप राउंड 3 का लॉगिन करके आपको कैंडिडेट को ऑप्शन फॉर्म भी आज ही भरना है। और कल के बीच में, मतलब 30 और 31 के बीच में आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भरना रहेगा। और 30 मतलब आज आपको डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स दिखाया जाएगा और अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे सीट कंफर्मेशन, ये यहाँ पे JNK कैंडिडेट के लिए है, तो जो वहाँ से हैं उनके लिए 25 से 30 के बीच में जाना होगा। तो चलिए इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट डेट में एक बार जाके देखते हैं कि वहाँ क्या बात है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। कल यहाँ पे 15 पे एक लास्ट नंबर था, तो आज यहाँ देखेंगे तो 16th एक नंबर आ चुका है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट कैप राउंड 3 30 7 2019। और फिर ऑनलाइन सबमिशन कैप राउंड 3 का 30 31 है। और डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट, मतलब कि कैप राउंड 3 का रिजल्ट आएगा आपका 28 2019 में। तो मतलब कि आपका 2 तारीख को रिजल्ट भी मालूम पड़ जाएगा। 30 31 के बीच में आपको ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा, मतलब आज और कल के बीच में। तो अगर आपको ऑप्शन फॉर्म अभी नहीं मिल रहा होगा तो शाम तक आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं ऑप्शन फॉर्म आया है या नहीं। उसे चेक करने के लिए हमें पहले ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना होगा और लॉगिन करते हैं अपने ID और पासवर्ड के साथ। तो लॉगिन करने के बाद, अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें आपका इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 3 दिखाएगा। तो यहाँ हम ऑप्शन फॉर्म की बात करें तो ऑप्शन फॉर्म में यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया है एडिटिंग के लिए। यहाँ पे प्रिंट डिटेल कंफर्म ऑप्शन फॉर्म लिस्ट आया है, मतलब कि लास्ट बार जो आपने फॉर्म भरा था उसका आपको एक डिटेल कंफर्म ऑप्शन फॉर्म दिखाएगा कि आपने कल लास्ट टाइम में आपने क्या फॉर्म भरा था, कौन कौन से कॉलेजेस भरे थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे, तो आपको नेम वाइज दिखाएगा। तो इस तरह से आपको अभी थर्ड राउंड के लिए भी ऑप्शन फॉर्म एडिट करना होगा, भरना होगा, तो आप उसको भरिएगा, बट ये शाम तक आ जाएगा। पहले आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट कैप राउंड 3 आएगा, उसके बाद आपको ये फॉर्म देखते हुए भरना है। तो आई होप कि आपको आज इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पर अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अगले वीडियो में हम आपको कल बताएंगे ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए कोई तरीके एक बार फिर से। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको सेकेंड राउंड का कॉलेज चाहिए था जो आप लोग ने नहीं ले पाया है, तो कैसे, और थर्ड राउंड में सेम कॉलेज कैसे आपको अलॉट हो सेम ब्रांच का, तो आपका अगर वो वीडियो देखने का है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा।